गुरु तेग बहादुर दसा की उपकार तेरे साथों पूरा विस्थार ना हो सकिया रागी ढाडी ते प्रचारकां कोलों तेरा पूरा प्रचार ना हो सकिया पुत किसे पासे पोते किसे पासे तेरा कठा परिवार ना हो सकिया सीस किसे पासे धड़ किसे पासे तेरा कठा संस्कार ना हो सकिया किसे दर्दमंद कवि दियां ये सत्रां अज भी सानू झंझोड़ दिंदियां ने वो शहादतां अज भी साढ़े लूं कंडे खड़े कर दिंदियां ने अज असीं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत नूं समर्पित विशेष प्रोग्राम लैके आए हाँ तो अकाल चैनल दे वल्लों श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत नूं ते उन्हां दे नाल शहीद होने वाले उन्हां महान गुरसिखां नूं कोटान कोट प्रणाम करती है। सो प्रोग्राम का आगाज करदे हां आप सारे दर्शकों नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी ने बाबर नूं जाबर कह के एक निरभयता वाली ते निडरता दी नींह रखी सी। ए सिलसिला ए रीत ज्यों दी त्यों 10 जामियां तक चलती रही ते गुरु तेग बहादुर जी ने भी बड़ा कमाल दा आखिया पै काहू को देत नै नह पै मन तान। यही कारण सी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं डराउण दे वास्ते उन्हां दे अनन श्रद्धालु तीन गुरसिख भाई सतीदास जी भाई मतीदास जी ते भाई दयाला जी नूं तसीहे दे के शहीद किया गया। पर तन है उन्हां गुरसिखां दी वो महान शहीदी जिन्होंने अपनी आखिरी इच्छा भी बादशाह अगे रखी कि जदों सानू शहीद किया जाना होवे साडा मुख साडे मुरशद वल किया होवे और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है। भाई गुरदास जी बड़ी कमाल की गल कहिंदे ने गुरबाणी तिन्हां गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करंदे कि मैं उन्हां सिखां तों कुरबान जाना आ जिहड़े अपने गुरु की याद में समागम रचाउंदे ने अपने गुरु नूं याद करते ने खास तौर पर गुरु साहिबान के अवतार पुरब गुरगद्दी दिवस ज्योति जोत दिहाड़े ज उन्हां दियां शहादतां दे दिन असीं आम तौर पर गुरु घरां विच जा के मनाउंदे आ पर केवल ये रस्मां तक सीमित ना रहन इत्थे गल होनी चाहीदी है उन्हां महान उपदेशां दी जो अज भी साढ़े कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में सुरक्षित ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की गल करते हैं तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी की गल करते हैं तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आप जी के 59 शब्द 57 श्लोक सुशोभित ने। जजवंती राग में आप जी ने बाणी उच्चारण की साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं राग तरतीब पंचम पिता गुरु अर्जन पातशाह जी ने दित्ती सी शुरुआत उन्होंने की राग तरतीब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की सेवा भाई गुरदास जी ने की सी और श्री राग माज राग गौड़ी आसा कुल 30 राग सी 31वां राग श्री गुरु तेग बहादुर जी का है और कमाल का इतफाक है कि गुरु अर्जन पातशाह जी जिन्होंने ये उद्यम किया एक इन्ना वड्डा संकलन बाणी दा करके सानू दिता आदि ग्रंथ के रूप में वो शहीद होए सी मनुखता की खातर ते नौवें पातशाह जी का आखिरी राग जो समाप्ति होंदी है वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में प्रगट होंदा है 31वां राग दर्ज होंदा है ते गुरु तेग बहादुर जी भी मनुखता की खातर मनुखी बराबरता की खातर शहीद होंदे ने। आओ अज कोशिश करिए कि उन्हां दी शहादत ते जिथे असीं उन्हां नूं सजदा करना है कोटान कोट प्रणाम करना है शर्त दे फुल पेट करना है उन्हां दी बाणी दे विच्चों कुछ समझण दा यतन करिए की उपदेश सी की जीवन जांच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू बाणी दे राही बख्शिश कीती सी। जो सिद्धांत जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश किया कि यह मनुखता की सर्वसांझी वालता की गल की बराबरता की गल की गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने ही उसे उपदेश उस सिद्धांत को अगे दी अगे प्रचारिया कि परमात्मा हर थां वसदा है हर मनुख दे विच है सब मह जोत जोत है सोए की गल करदे होया गुरु तेग बहादुर जी बड़ी कमाल की गल कहिंदे ने काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तू ही संग समाई कि तेनू जंगलां बियाबाना विच रब नूं खोजन की लोड़ नहीं हरेक मनुख दे विच उह परमात्मा आप वास करता है। फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह दसदे ने मनुख नूं कि तेरे जीवन का मकसद की है तेरे जीवन का मनोरथ की है कि साधो गोबिंद के गुण गाओ मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा कहे गवाओ कि जे ये मनुखा देही मिली है तो तेरा सब तो वड्डा फर्ज है कि
उस परमात्मा के गुण गायन करा वह ता ही संभव हो सकता है, क्योंकि एक जगह बड़ा सुंदर दृष्टांत है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए, तो मनुख ओदे वर्गा हुंदा है जिसनू वह मानता है, जिसका ध्यान अपने मन में धरता है। तो यही कारण है कि गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं साधो गोबिंद के गुण गाओ, उस परमात्मा अकाल पुरख हरि अल्लाह ताला के गुण गा ताकि तू भी ओदे वर्गा हो जाए। पर मनुख इस संसार दे विच आके उस परमात्मा नू अक्सर ही भुल जाता है, उसकी याद नू हिरदे दे विचों भुला देता है। जबकि दृष्टमान सब विनसी है, सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी सानू यह गल समझाउंदी है, जो दिसदा है ये बिनसनहार है, इन्हें बिनस जाना है। तो गुरु तेग बहादुर जी बड़ी कमाल की गल कहते हैं, जग रचना सब झूठ है जान लेहो रे मीत, कि जे ये जग रचना तू वेख रहा है ये एक झूठ का पुलंदा है, ये सच करके मेरे मित्र तू समझ लै। पर मनुख इस दुनिया उत्ते आके धन पदार्थों भोगण की इन्नी को इच्छा रखता है, होर तो होर सुख तो लालसावान भोगन की इच्छा दे विच दुख ही दुख पाता है। गुरु तेग बहादुर पातशाह बड़ी सुंदर उदाहरण दे के इतने समझाते ने, जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर भाव है सो होए, कि होना उ है जो उस परमात्मा की रजा दे विच है, जो उदे हुक्म दे विच है। पर मनुख हमेशा ही माया पिछे भजिया रहा है, ये नहीं है कि गुरमत सिद्धांत यह कहता है कि माया के पिछे या माया की जरूरत नहीं है, पर अंजन मैं निरंजन रही है कुछ इदा की स्थिति, जैसे जल मैं कमल निरालम मुरगाई न साने, जिदा एक कमल का फुल चिक्कड़ दे विच रेंद्या होया भी अपनिया पंखड़िया तक नू भी चिक्कड़ नहीं लगन देंदा, माया नू जरूरत दे अनुसार वरतना उन्नू कमाउणा, जे ये जरूरी ना हुंदी ते धर्म की किरत करन दा सिद्धांत सतगुर पातशाह कदे बख्शिश ना करदे। सो किरत करनी है, दसवंध भी कढ़ना है, माया भी जरूरी है, पर माया दे विच गलतान नहीं हो जाना। गुरु तेग बहादुर पातशाह बड़ी कमाल की गल कहते हैं, मगन रहो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। गुरु तेग बहादुर पातशाह जो असी होर गुरु साहबाना की बाणी भगत साहबाना की बाणी पढ़ते हैं तो जिंदगी का सच जीवन जाच समझ आती है। कई बार इं लगता ज्यों दसिया जाता भी ये केवल एक धार्मिक मंत्र की तरह यदा रटन करना है, पर जो असी गंभीरता दे नाल संजीदा दे नाल संजीदगी दे नाल बाणी नूं पढ़दे हां तां समझ आउंदी वी इह जिंदगी दे बहुत अमुल्ले तत्त ने, जिहनूं असी कई वारी अंग्रेजी दे विच कोट्स कहिंदे आ, थॉट्स कहिंदे आ, असी बड़े स्टेटस शेयर करदे आ, उह जिंदगी नाल जुड़िया कोई बड़ा वधिया पहलू पंजाबी विच लिखिया हुंदा है, बस इह गुरमुखी लिपी दे विच है। पर जिंदगी दे बारे, जिंदा दिल दे बारे, जिंदगी जीवन दे बारे बहुत खूबसूरत उपदेश साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच अज भी साढ़े कोल मौजूद है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी की जिवें असीं गल कर रहे हैं, भावें कि बहुत विस्थार है, मैं जिवें पहला भी जिक्र किया भी किन्नी बाणी गुरु साहब की जैजावंती राग दे विच जां होरना रागां दे विच शामिल है। ये सारा बहुमुला खजाना, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरे मन भया निधाना वाली गल है। पर जे असीं उस पासे तुरीए, खोजत खोजत सुनियो सोए साध संगत बिन तरियो ना कोए, पर असीं सत संगत कित्थे करदे आ, साढ़े होर ही रुझेवें बहुत ने, असी होर बड़े ही पदार्थों के माया मोह के खचित होए पए हाँ, तो मौत का डर भी सानू कितना कित हमेशा ही सतौंदा रहिंदा है। गुरु तेग बहादुर जी इस बाबत भी बड़ा सुंदर बचन समझाते ने, प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत तहे जम फंध। सो बड़े सुंदर उपदेश ने गुरु साहबान दे, और बड़ियां कमाल दियां गल्लां, बड़े कमाल दे जिक्र ने। ते अखीर दे विच मैं एक होर बड़ा ही प्यारा जिहा उपदेश साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी बाणी विचों साझा करना चाहवांगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी बड़ा सुंदर बचन करदे ने, कहां पयो तीरथ व्रत कीए राम शरण नहीं आवै, जोग जग नहफल तह मान्यो जो प्रभ जस विसरावै। भावें तू जिन्ने मर्जी तीर्थां उत्ते रटन कर लै, पर जब तक तू परमात्मा की याद नूं हिरदे अंदर नहीं वसावेगा ये जीवन सफल नहीं हो सकता। आओ अज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत नूं सजदा करते हुए, शरदा दे फुल भेट करते हुए एक प्रण करिए कि आपो अपने घरां दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के उपदेशां नूं समझण समझाउण की कोई कोशिश करिए,
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਚਾਓ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।